पूरा आजमगढ़। था ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई आजमगढ़ का बच्चा बच्चा लड़ रहा था, नौजवान लड़ रहा था, बुजुर्ग लड़ रहा था, हमारी माताएं बहनें लड़ रही थी। मैं जहां जा रहा था सब लोग यही कह रहे थे कि हम लोग जो है कमल खिलाएंगे, और हमने 10-10 विधायक यहां पे चुन के दिया, पर एक काम इन लोगों से नहीं होता है, तो अब हम सरकार के साथ जाएंगे। और आज देखिए कमल खिला है, अब कमल पे बैठ के लक्ष्मी माई आजमगढ़ आएंगी, और केंद्र से लेके और हमारे प्रदेश सरकार से दोनों जगह से इतनी सौगात आजमगढ़ में आएगी कि आप लोग देखेंगे मेरा आजमगढ़ कैसे चमकेगा। राजनीतिक पंडित भी गणित नहीं लगा पा रहे थे रामपुर और आजमगढ़ को लेकर। कोई 50,000 से बता रहा था दूसरी पार्टी को, कोई बता रहा था कि समीकरण बिल्कुल निरहुआ के फेवर में नहीं है, लेकिन योगी जी दोनों जगह आए और उन्होंने जिस तरीके से प्रचार किया उसका इम्पैक्ट और इस गढ़ को भेदने में जो काम आप लोगों ने किया उसको कैसे देखते हैं? मैं ये मानता हूं कि जो लोग भी ये देख रहे थे वो सच देख रहे थे, क्योंकि यहां का समीकरण बड़ा कठिन था, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां इस गढ़ को तोड़ना भेदना आसान काम नहीं था, पर ये टूटा सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और योगी जी के सुशासन के, उनके द्वारा किए गए कल्याणकारी योजनाओं की वजह से। आज गरीब के, किसान के, मजदूर के घर में राशन पहुंचा है, किसान के खाते में पैसे पहुंच रहे हैं, उनको छत मिल गया, उनको शौचालय मिल गया, गैस कनेक्शन मिल गया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनका जो योजना से जो जो लाभ मिला वही कहीं ना कहीं हमारे लिए प्लस हुआ और हम लोग यहाँ जीत पाए, नहीं तो ये सच में है इसको तोड़ना बहुत कठिन काम। तो मान लिया जाए 24 की रणभेरी आपने फूंक दिया आजमगढ़ से? मैंने नहीं, जनता ने फूंका है, हमारे जनता ने आशीर्वाद दिया है और जनता ने ये बता दिया है कि अब जो है पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज आज आजमगढ़ से गया कि आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस देश से परिवारवाद जातिवाद का जड़ उखाड़ के आजमगढ़ ने फेंक दिया। पूरा अस्सी चाही का, मिली इससे मिली कि देखिए सिर्फ दावे नहीं, सिर्फ बात नहीं, काम करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। बाकी लोग सिर्फ योजना कागज पे बनाते थे, लेकिन पूजनीय महाराज जी ने आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हमारे आजमगढ़ को जोड़ दिया है। आज यहाँ सुहेलदेव महाराज विश्वविद्यालय बनना शुरू हो गया है। तो कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ कागज पे नहीं होती है, वो जमीन पे होती है। तो इसी काम के दम पे और आगे जो काम करेंगे उसके दम पे हम लोग चौबीस जीतेंगे। बिल्कुल, तो अब आप जश्न मनाइए, आपको और ज्यादा मैं परेशान नहीं करूंगा, आप अपने जश्न मनाइए।